बोलिए सद्गुरु देव की जय। आज परम पूज्य गुरुदेव सद्गुरु श्री अभिलाष साहेब जी के जयंती के अवसर पर कुछ विचार रखने के लिए नाम लिखा गया है, इसलिए उनके ही संबंध में कुछ बात याद करें। पूज्यवर गुरुदेव जी के बारे में कुछ कहना वैसे ही है जैसे दिन के उजाले में दीपक लेकर चलना, सूरज के उजाले में, सूरज की रोशनी में हम दीपक लेकर चलें तो उसका कोई मतलब नहीं होता है, उससे कोई फायदा नहीं होता है। वैसे ही है गुरुदेव जी के बारे में हम जो कुछ भी जानते हैं, उनकी रहनी के विषय में, उनकी गहनी के विषय में, उनके व्यक्तित्व के विषय में जितना कुछ भी जानते हैं, उसके कुछ अंश ही हम अपने जीवन में उतार लें तो हमारा जीवन, हमारा ये मानव का तन पाना सार्थक हो सकता है। अक्सर जो भी महापुरुष होते हैं वे इशारा करते हैं और दिखाते हैं कि देखो बेटा वो चांद है, इशारा करते हैं ऊपर की तरफ और हम उनकी हाथों में ही ठहर जाते हैं। वे जो बात दिखाते हैं हम उसे देख नहीं पाते, सिर्फ उनके भौतिक शरीर या कहें उनके बाहरी रंग रूप पर या मोटा मोटी जो बातें वो कहते थे उन्हीं चीज़ों में हम रह जाते हैं बस। लेकिन किसी महापुरुष का शिष्य होना, किसी महापुरुष को अपना गुरु मानना, वह तो वैसे है जैसे उनकी बातें हमारे अंदर दिखाई दे। महात्मा गांधी ने एक बात कहा है, उन्होंने कहा है कि यदि हम किसी के शिष्य हैं तो हमारे अंदर उनकी झलक महसूस होनी चाहिए। वो हमें दिखने चाहिए तभी हम उनके शिष्य हैं, अन्यथा हम नाम से या उनके साथ रहने से, उनका सानिध्य पा जाने से हम उनके शिष्य नहीं हैं। वास्तव में यदि हम उनके शिष्य हैं तो उनके द्वारा जो दिया गया पथ उसमें हम चलें, उनके मार्गदर्शक में हम जीवन जीने का प्रयास करें, तभी हम उनके शिष्य कहला सकते हैं। छोटे छोटे सद्गुण हैं जो गुरुदेव जी के अंदर बहुत गहराई से भरे हुए थे, उनका हम कुछ अंश ही अपने जीवन में उतार लेते हैं तो हमारा जीवन धन्य हो सकता है। कहा जाता है कि
करत करत अभ्यास के जड़ मति होत सुजान, रसरी आवत जाते सिर पर परत निशान। इस बात को गुरुदेव जी ने चरितार्थ करके दिखाया है। हम सब उनके पढ़ाई के विषय में जानते हैं, स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में नहीं के समान पढ़े थे। स्कूल में तो सिर्फ उनको अक्षर बोध हुआ था, लेकिन उनकी तीव्र जिज्ञासा, निरंतर का अभ्यास उन्हें इस मुकाम तक पहुंचा चुका था कि आज हमारे बीच जो भी साहित्य उपलब्ध है, उनके द्वारा लिखा गया जो भी ग्रंथ हम सबके बीच उपलब्ध है, वो उनके अभ्यास का परिणाम है। गुरुदेव जी की जीवनी जो जीवन दर्पण है, उसको कभी पढ़ेंगे तो उसमें कई ऐसे जगह हैं जहाँ पर पढ़ने को मिलता है कि उनके जैसा हम अगर जीने का प्रयास कर लें तो हमारा जीवन बहुत ही सरल हो सकता है, बहुत ही सुखद हो सकता है। अभी 2-3 दिन पहले मैं ऐसे ही मोबाइल में गुरुदेव जी का जीवन दर्पण पढ़ रहा था और संयोग से यही चैप्टर निकल गया, व्यक्तित्व। उसमें था कि पढ़ने की रुचि। गुरुदेव जी कहीं भी अपने बचपन के, उनके बचपन के समय में कहा गया है कि कहीं भी घूर में भी कोई कागज पड़ा होता तो उसे उठाकर पढ़ लेते थे। कहीं छोटा सा कागज का टुकड़ा मिल जाए तो उसको पढ़ लेते थे। अगर उनके काम का है तो उसको अपने जहन में बैठा लेते थे, अगर काम का नहीं है तो उसे छोड़ देते थे। और वही अभ्यास उन्हें भाषा का इतना बड़ा विद्वान बनाया। कई ऐसे विद्वान होते थे जो गुरुदेव जी के पास आते थे पूछने के लिए कि स्वामी जी, महाराज जी, इसका अर्थ कैसे निकालें। एक बार की बात है, 1978 में गुरुदेव जी कलकत्ता में थे श्री प्रेम प्रकाश जी के यहाँ, और वहीं पर परयाणी जी भी थे। परयाणी जी उस समय गुरुदेव जी की पुस्तक मैं कौन हूँ का इंग्लिश में अनुवाद कर रहे थे, ट्रांसलेट कर रहे थे। तो उसमें एक वाक्य आया है कि आत्मा ब्रह्म में लीन हो जाता है। तो लीन शब्द के लिए प्रेम प्रकाश जी ने कहा कि एग्जॉस्ट शब्द अच्छा है। तो परयाणी जी ने कहा कि मेरे हिसाब से तो एब्जॉर्व शब्द अच्छा है। लेकिन दोनों के दोनों अपने इस वर्ड से, इस शब्द से संतुष्ट नहीं थे। संयोग से गुरुदेव जी पास में ही थे, वे लोग गुरुदेव जी के पास गए और गुरुदेव जी से पूछे कि साहब जी, हम लोगों को ये समस्या है, क्या करें। गुरुदेव जी ने कहा कि मेरे हिसाब से तो इसके लिए मर्ज शब्द अच्छा होगा, इसके लिए मर्ज शब्द अच्छा होगा। दोनों के दोनों इतने खुशी से उछल पड़े कि साहब जी, हम लोग इतना जानते हैं, उसके बावजूद भी हम लोगों का ध्यान नहीं गया था। और वहां से गुरुदेव जी के पास से जैसे ही अलग हुए
प्रेम प्रकाश जी कहने लगे कि देखो, हम लोग इतना कुछ जानते हैं, इतना पढ़े लिखे हैं, लेकिन आज गुरुदेव जी हम सबको पढ़ा गए, हमें पढ़ा दिए। उनके लिए कहा जाता है कि ये अनपढ़ हैं, लेकिन वही अनपढ़ आज हम पढ़े लिखों को पढ़ा रहे हैं। तो ये अभ्यास की देन है। गुरुदेव जी जब शुरू में इंग्लिश के लिए जब लाला राम जी उनको बहुत फोर्स किए, प्रेरित किए, तो उन्हीं से कुछ सीखे थे, और उसके बाद धीरे धीरे करते करते विवेकानंद की कई इंग्लिश की पुस्तकें और सर राधा कृष्णन की इंडियन फिलॉसफी, इन पुस्तकों को कई बार पढ़ चुके थे। और उसके बाद जब गुरुदेव जी की ही पुस्तकों का इंग्लिश अनुवाद हुआ तो उसे भी गुरुदेव जी कई बार पढ़े, तो उन्हें हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी और यहाँ तक कि कुछ कुछ पाली भाषा का भी बहुत अच्छी पकड़ हो चुकी थी। तो ये चीज़ें आई कहाँ से? ये चीज़ें उनमें आई उनके अभ्यास के कारण। कई बार ऐसा देखा जाता था कि वो घंटों घंटों पढ़ रहे हैं, एक दिन में अगर उन्हें मौका लग जाए तो 14 घंटा 15 घंटे तक पढ़ते थे। और ऐसे ही सामान्य समय में जब भ्रमण में हैं, इतने व्यस्त समय होने के बावजूद अपने पढ़ने के लिए 3 घंटा 4 घंटा उनके लिए बहुत सहज था। तो ये अभ्यास, इस अभ्यास के कारण वे यहाँ तक पहुँचे अपने साधना में। अपने साधना के समय में वे कितने एकांतवास किया करते थे, अपने अंदर की गहराई में उतर कर देखते थे कि अब मेरा मन कहाँ भाग रहा है। गुरुदेव जी अनेक बार ये सब चीज़ें अपने प्रवचनों में और ऐसे ही अलग से जब उनके पास जाना होता था तो बताते थे। तो हम सब आज उन्हें याद कर रहे हैं, और उनकी याद में बस यही संकल्प लेना है हम सबको कि हम यदि अपने आप को उनका शिष्य मानते हैं तो उनके जो रहनी हैं, उनके जो विचार हैं, वो हमारे अंदर छलकने चाहिए। संपूर्ण रूप से तो नहीं हो सकता, लेकिन कुछ अंश जो हमारे जीवन में उतर जाए उसका हम जरूर पालन करें। और ये सोच लें कि गुरुदेव जी में जो ये बात थी वो मेरे अंदर आ जाए। जैसे मेरा अनुभव है कि जब भी गुरुदेव जी से मुलाकात होती थी तो उनके आँखों से मेरी आँख अगर लड़ी तो अपने आप ओंठों में मुस्कान आ जाती थी। गुरुदेव जी भी मुस्कुरा दिया करते थे और मैं भी मुस्कुरा देता था। तो इससे होता क्या था? इससे होता ये था कि अगर हमारे मन में कोई दूसरे विचार चल रहे हों, या फिर किसी से हम किसी बात पर झिड़क दिए हों, लड़ाई झगड़ा हो गया हो, या मन में थोड़ा बहुत तनाव है, तो एक मुस्कान से ही सारे ये क्लेश कलिमल अपने आप धुल जाते थे। उन चीज़ों को जब आज भी याद करता हूँ तो लगता है कि सच में एक टॉनिक है ये। तो ऐसे छोटे छोटे अनेक सद्गुण हैं जिनको हमें उतारने की ज़रूरत है, और उनके बताए मार्ग पर चलकर हम अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं, और उसी के लिए हम सब यहाँ आए हैं और उसी के लिए हम सब प्रयासरत हैं। परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में
विनम्र श्रद्धांजलि समर्पित करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।